हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर फर्स्ट का है, न्यूट्रिशन का, क्लास 7 का। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे प्लांट से डिपेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जिसके जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, फंगी की बात करूं तो फंगी क्या करता है, प्लांट्स के रूट पे अटैच हो जाता है, ठीक है, प्लांट्स के रूट पे अटैच हो जाता है। वो क्या करता है, उस प्लांट के थ्रू वो अपना न्यूट्रिशन बनाता है, ठीक है। वो प्लांट क्या करता है, उसे अपना न्यूट्रिशन देता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो फंगी है वो किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हमारा होस्ट। अब देखो होस्ट क्या होता है, कि होस्ट में का मतलब ऐसे पौधे होते हैं वो जो क्लिम करते हैं, मतलब कि जो चढ़ते हैं ऊपर, जिसको हम हिंदी में बेल पौधे बोलते हैं। वो क्या करते हैं, अगर आप उसको लगा दोगे तो चढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो यानी ऐसे पौधे जो क्लिमिंग करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। थर्ड है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का जैसे नेम से ही पता लग रहा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब कि ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट को खाते हैं, है ना, जो ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं, वो उनसे अपना न्यूट्रिशन बना, उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं, है ना, जो उड़ते उड़ते इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट को भी पकड़ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। यानी वो अपना न्यूट्रिशन किसी इंसेक्ट से ही अपना न्यूट्रिशन बना, ठीक है। दूसरा है सेप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। मतलब सेप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, जो अपना न्यूट्रिशन किसी डिके या फिर डेड मैटर, है ना, जो सड़े गले जो मटेरियल्स होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप न्यूट्रिशन, ठीक है। जो जिसे हम कहते हैं ना कि वो सड़े गले में कीड़े लग जाते हैं, उन कीड़ों को ही हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद है आपका सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे से शेयरिंग करके न्यूट्रिशन बनाते हैं, है ना। यानी कोई दो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से शेयर करके न्यूट्रिशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करूँ कि आपका ये एक प्लांट है, ठीक है, ठीक है, सिंपली एक डायग्राम बनाया, ये प्लांट है, ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, इसके रूट्स में यहाँ फंगस लग जाएगी, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, फंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फंगी अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये फंगी क्या करेंगे, इस प्लांट से ये न्यूट्रिशन लेंगे, इस प्लांट से ये न्यूट्रिशन लेंगे फंगी अपने लिए, ठीक है। अब देखो अपने लिए फंगी ने क्या किया, इस प्लांट से न्यूट्रिशन लिया, ठीक है, लेकिन प्लांट इससे भी क्या ले, फंगी से क्या लेता है, फंगी क्या करता है, इसको वाटर, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर अवेलेबल करवाता है और मिनरल्स मिट्टी से, ठीक है। तो देखो दोनों की शेयरिंग हो रही है इसमें, फंगी ने प्लांट से क्या लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, ठीक है, और फंगी से प्लांट ने क्या लिया, वो क्या क्या लिया इन्होंने, देखो मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स लिए और दूसरा क्या लिया, मिनरल्स और वाटर, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक। तो दोनों की इसमें शेयरिंग होती है, इसी को हम सिम्बायोसिस प्रोसेस, ठीक है। यानी प्लांट ने फंगी से मिनरल्स एंड वाटर लिया और फंगी ने प्लांट से न्यूट्रिशन, तो दोनों का ऐसे कॉम्बिनेशन चलता रहता है, ठीक है। यानी दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है।
तो ये कुछ टॉपिक्स रह गए थे हमारे पिछले चैप्टर्स में, जो भी हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो हमारे लेसन नंबर 1 है न्यूट्रिशन पॉइंट्स, वो कंप्लीट हो, ठीक है।